हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसवेल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो जो आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है हमारे उन सभी तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं, यानी उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, चाहे वो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर के हैं या फिर थर्ड ईयर के हैं, और उनके पास में अगर हिंदी ए का विषय है, तो आज की ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में चाहे वो प्यारे स्टूडेंट्स हमारे एसवेल के रहें, नॉन कॉलेज के रहें या फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी रेगुलर कॉलेज में, लेकिन उनके पास में हिंदी ए का विषय है और उनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है, तो आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। हम आज की इस वीडियो में इतने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर आते ही आते हैं, और ये मैंने कई ईयर के क्वेश्चन पेपर्स का जब आपका एनालिसिस किया है उसके बाद मैं ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए छाट कर लेकर आया हूँ। इससे पहले भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के हिंदी के आप लोगों के लिए पार्ट वन अपडेट मैंने किया है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इस वीडियो के बाद उसको देख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि पार्ट वन पहले देखना ज़रूरी है पार्ट टू, क्योंकि उसमें अलग क्वेश्चन डिस्कस हुए थे और इसमें अलग है, और वो अलग चैप्टर्स के थे और ये अलग चैप्टर्स के हैं। मैंने आप लोगों के लिए बिल्कुल गहराई से इस चैप्टर को आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है ताकि आपके लिए जब ये क्वेश्चन आए तो आप लोग इनको अच्छी तरीके से कर सकें। तो आपके लिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये हमारा, एमेचर क्लब की वस्तु स्थिति का वर्णन करें। देखो दोस्तों, एमेचर क्लब क्या है इसके बारे में मैं शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों के लिए हमारे एसवेल सॉल्यूशन परिवार की तरफ से एक नया स्टडी चैनल लॉन्च कर दिया गया है जिसका पूरा नाम है आर्ट्स पॉइंट क्लासेस। अगर आपने उस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे उस चैनल के मेंबर नहीं बने हैं हमारे विद्यालय परिवार का, तो आप उसका मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि उस पर भी लगातार हमारे जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हो या फिर वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या फिर वो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पर भी लगातार वीडियोज़ अपडेट हो रही है। तो वहाँ पर भी आप जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो, उसको समझ सकते हो, वो भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे, क्योंकि उसमें भी दो टीचर्स अब हम आ चुके हैं आप लोगों के लिए आपकी हेल्प करने के लिए। पहले मैं अकेला था तो मैं सिर्फ ये चैनल हैंडल कर रहा था, अब तो दो टीचर हैं, तो वहाँ पर आप लोगों को भी वीडियो मिलेगी, यहाँ पर भी मिलेगी, तो आप लोग डबल रफ्तार से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, इसीलिए आप उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम पर स्टडी चैनल में अगर आप अब तक नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक दिया जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम डाउनलोड करके उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है आप लोगों को तो आप इन नंबर्स पर हमसे कॉन्टैक्ट करके हमारे स्टडी चैनल में जुड़ सकते हैं, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, साथ के साथ कुछ और यूज़फुल लिंक्स भी मिलेंगे, वो भी आप और वीडियोस के होंगे आप उसको देख सकते हैं। हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और फेसबुक में हमारे एसवेल सॉल्यूशन पेज के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो क्वेश्चन आज का स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है, एमेचर क्लब, ये एमेचर क्लब है क्या, मैं आपको बताऊँ सबसे पहले, ये एमेचर क्लब, ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये लिया गया है पर्दा उठाओ पर्दा हटाओ, ये चैप्टर है आपका, आपको ज़रा ध्यान से समझना है। काफ़ी वैसे नाम से आपको अजीब सा लग रहा होगा चैप्टर का, आपने नहीं पढ़ा अब तक, तो ये जो एमेचर क्लब है वो इस चैप्टर के अंदर एक एकांकी है, एकांकी है। देखो दोस्तों, तीन चीज़ें होती हैं, एक कहानी होती है, एक कविता होती है और एक एकांकी होती है, तीनों डिफरेंट होते हैं। कविता क्या होती है, जिसे गाते हैं हम, या फिर हिंदी के शाब्दिक अर्थ जो मूल हम बोलते हैं वो नहीं होते, उसके अर्थ थोड़े से होते तो हमारे शब्दों की तरह हैं पर वो अलग ही तरह से लिखे होते हैं, वो कविता होती है जिन्हें गा कर हम पढ़ते हैं। दूसरे होते हैं कहानी, कहानी के अंदर कुछ पात्र होते हैं, उसके बीच में कुछ स्टोरी चल रही होती है उसे बोलते हैं, और एक होती है एकांकी, एकांकी में क्या होता है पूरा नाटक होता है, एक तरीके से नाटक के रूप में आप इसको समझ सकते हैं। इसके अंदर कई सारे कैरेक्टर होते हैं, सबके अपने अपने डायलॉग्स होते हैं, सबके अपने अपने इंप्रेशंस होते हैं, डायलॉग के साथ इंप्रेशंस भी उन्हें शो करना होता है, तो ये होता है एकांकी। तो एमेचर क्लब जो ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 है, आपको थोड़ा ध्यान से समझना है, मैंने आपको बताया इसके कई सारे क्वेश्चन आप लोगों के लिए होंगे जो आप लोगों के एग्ज़ाम में आएंगे। आपके चैप्टर आप देख सकते हो, सिंपल ही है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ ये चैप्टर हैगा। ये इस चैप्टर के अंदर एमेचर क्लब की विषय वस्तु की व्याख्या करने के लिए आपको कहा गया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एमेचर क्लब है क्या।
ये एक चैप्टर एक एकांकी है, इसमें क्या होता है कि सारे के सारे जो कैरेक्टर हैं वो एक शो प्रकट करने की कोशिश कर रहे हैं। शो का मतलब क्या है? नाटक। और उस नाटक के अंदर क्या होता है कि भाई उन्होंने अपनी एक अलग से समूह बना रखा है, उस समूह एक क्लब बना रखा है, उसका नाम ही है एमेचर क्लब। तो इसके बारे में हमें बताना है कि ये कैसा था कैसा नहीं था। एमेचर क्लब जो था इसके अंदर कई सारे कलाकार थे और इसमें एक व्यवस्थापिका था। अब ये व्यवस्थापिका किसको कहते हैं हम? ये जो मैनेजर होता है उसको बोलते हैं व्यवस्थापिका। और इसका मैनेजर कौन था? इसका मैनेजर था जिसका नाम था भगवंत, भगवंत जी नाम था उनका, वो इसके मैनेजर हैं। आपको ध्यान रखना है इसके अंदर जितने भी कलाकार थे उनकी वास्तव में कला के प्रति कोई भी रुचि नहीं थी, बस सभी के सभी क्या है कि भाई अपने नाम कमाने के लिए और तो और पैसे कमाने के लिए, साथ ही साथ क्या है कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए इसके अंदर काम करते थे। जो एमेचर क्लब का जो मालिक था वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है और नाराज़ होने के बाद वो अपने भी जितने भी इसके अंदर काम करने वाले लोग हैं उनको कुछ ना कुछ कह देता है, ये रवैया जो है, और जो बाकी जितने कलाकार हैं उनको भाई पसंद नहीं आता। वो गुस्सा होकर जो उन्हें एक्ट करना चाहिए वो एक्ट भी नहीं करते, इसीलिए कलाकार अपनी रुचि भी नहीं दिखाते। और जो इसका भाई व्यवस्थापिका है एक तरीके से जो मैनेजर है इसका, वो भी इसके अंदर ज़्यादा अपनी रुचि नहीं दिखाता है। यहाँ पर क्या होता है, सब अपने अपने गुस्से में, सब अपने अपनी बातों के अंदर या अपने अपने रवैये की वजह से इस पूरे के पूरे नाटक को ख़राब कर देते हैं। अब वो ख़राब कैसे करते हैं ये मैंने आपको जब आपका इस पूरे चैप्टर का सार पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको समझाया था। अगर आपने वो भी नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं, जो बीए प्रोग्राम सेकंड और थर्ड ईयर हिंदी के नाम से बनी होगी, आप उसके ज़रिए भी इसको देख सकते हैं। तो इसके पहले चैप्टर्स के अंदर ये बातें बताई गई थी आपको, ये क्वेश्चन आप इस तरीके से इसका लिख देंगे कि जो एक अच्छा ये नाटक प्रस्तुत कर सकते थे लेकिन ये अच्छा एक नाटक प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उसका क्या रीज़न है कि अच्छा नाटक प्रस्तुत नहीं कर पाते? क्योंकि ये इन सभी का जो रवैया होता है एक दूसरे के प्रति, उस रवैये के कारण ही एक अच्छा एकांकी एक अच्छा नाटक प्रस्तुत नहीं कर पाते। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि अगर कोई सुधार हेतु अगर कुछ प्रावधान हमारे लिए आपने छोड़ा है तो हम उसको ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि रात को नाटक है और मुख्य कलाकारों को इन्फ्लुएंजा ने आ घेरा, यानी रात को इनका नाटक था जो इनको पेश करना था, शो दिखाना था, जैसा कि मैंने आपको बताया ये भी इसी चैप्टर से है, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ से है, लेकिन जो इसके मुख्य कलाकार हैं इसके उनको इन्फ्लुएंजा नाम की एक बीमारी होती है वो हो जाता है। अब इससे जो इसके एक तरीके से मैनेजर हैं इस नाटक के क्लब एमेचर क्लब का, तो वो एक वाक्य कह देते हैं, एक अव्यंग करता हुआ एक आलोचना करता हुआ एक मुहावरा टाइप का बोल देते हैं। ये शब्द मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप इसको पढ़ सकते हैं कि शिकार सामने पड़ा तो खालिस्तान को हाजात हो गई। तो आप ये ध्यान रखेंगे, ये थोड़ा अजीब सा आएगा वर्ड तो इसको मैं नहीं लूँगा। तो आप क्वेश्चन आए तो आप समझ जाएंगे इसको, ये चैप्टर पहले आपको बताना होगा कि ये जो है ये पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ चैप्टर से लिया गया है, एक एकांकी है ये, इसका मुख्य पात्र कौन है? भगवंत जी है, और वो क्या है इस एमेचर क्लब के क्या है मैनेजर भी हैं जैसा कि अब तक मैंने आपको बताया। और इसमें इस कहानी में क्या होता है, एक बलवीर नाम का कैरेक्टर होता है जो इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर होता है, वो ये महाभारत का एक एकांकी प्रस्तुत कर रहे थे, वो उसका मेन भूमिका निभा रहा था, लेकिन अचानक से उसकी बीमार पड़ने की खबर आती है तो इस बात से मैनेजर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब मैनेजर गुस्सा क्यों हुआ भाई, वो बीमार पड़ा तो क्योंकि उसको ये सुनने को मिला कि भैया उसको इन्फ्लुएंजा हो गया और उसने एक दिन पहले ही फ्री में पास मांगे थे मैनेजर से कि भैया मुझे अपने परिवार को और दोस्तों को अपना शो दिखाना है, लेकिन मैनेजर ने ये कहते हुए मना कर दिया कि अगर हम फ्री के पास बांटेंगे तो भाई हमें कमाई नहीं होगी, फिर हम उसको और लोगों में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कैसे और लोगों की अर्निंग करेंगे, तो उन्होंने भगवंत जी ने ये कहते हुए इनकार कर दिया। लेकिन ये चीज़ भाई हमारे जो बलवीर जी हैं उन्हें पसंद नहीं आती, तो भाई उन्होंने क्या किया, अंत में उन्होंने क्या कर दिया, बीमार पड़ने का बहाना कर दिया और भगवान जी को गुस्सा आ गया। और इस गुस्से के कारण ही वो बोलते हैं, ये जो छिछोरे कलाकार होते हैं जो ये घिनौना हरकत करते हैं, अंत में इन्होंने जो ये हरकत करी है मुफ्त पास मांगने को लेकर, तो इसके ही व्यंग करते हुए उन्होंने, इसकी आलोचना करते हुए उन्होंने ये शब्द कहे थे जो आपसे प्रश्न में पूछा गया था। आई होप मेरे को
लग रहा है ऐसा कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, तो मैं अब आगे बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, कहाँ है मृदुला घोष, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कहाँ है मृदुला घोष, घर पर बैठी कंघी पट्टी कर रही होगी, ये बात कही जाती है जब आपसे जब पूछते हैंगे भगवान जी सभी वहाँ पर से लोगों से, कहाँ है मृदुला घोष, उनको बुलाओ, क्योंकि बीच बीच में उन्होंने एक मनोरंजन के लिए चुटकुले वगैरह जैसे होते ना, डांस वगैरह होता है, तो उन्होंने इसका भी प्रोग्राम कर रखा था, इसलिए मृदुला घोष नाम की एक कलाकार है उसको बुलाया जा रहा था, लेकिन वो तो आई नहीं, वो कहीं पर कंघी पट्टी कर रही थी। अब भगवान जी फिर गुस्सा होता है, वो कहते हैं इन कंबकतों को यही तो मुसीबत है, पासों के लिए सारे मोहल्ले को पास बंटवा दिए पर काम के वक्त, देखो तो ये क्वेश्चन आपसे ये एक तरीके से लाइनों का मतलब पूछ लेता है, ऐसा किन किन टाइम पे पूछा गया है, ऐसा किन समय में कहा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसा कि मैं बता रहा हूँ, नाटक के प्रदर्शन जब किया जा रहा था, मैंने बताया रात को नाटक का प्रदर्शन था, तो रात को जब नाटक का प्रदर्शन किया जा रहा था, तो वो नाटक जब जैसे ही सेट पर उतरता है, तो मैंने आपको जब चैप्टर की समरी पढ़ाई थी तो उसमें बताया था कि वो पूरा का पूरा एक हंसी का पात्र बन जाता है, सभी लोग हंसने लगते हैंगे, क्यों, क्योंकि जो बलवीर मैन कैरेक्टर था वो आया नहीं, उसका कैरेक्टर किसी और को दिया, और भाई किसी और के कैरेक्टर फिर किसी और को, ऐसे इंटरचेंज होते हैं एक दूसरे के कैरेक्टर, तो भाई सब लोग एंड मौके पर भाई अपना कैरेक्टर भूल जाते हैं, भाई वो भूल जाते हैं, बड़बड़ाने लगते हैं कुछ भी, अब भाई इतने में वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं मंच पर ही, तो सभी देख कर ये सब जो दर्शक होते हैं वो सब के सब क्या होने लगते हैं, भाई ताली बजाने लगते हैं, कोई कोई हंसने लगता है, कोई चप्पल मारने लगता है, कोई कुछ करने लगता है, तो भाई इसी कारण से इस चैप्टर का नाम भी रखा हुआ है कि पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, ये चैप्टर का नाम भी रखा हुआ है। लेकिन देखो अब यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट है, जब पूरा का पूरा हंसी मजाक होने लगा वहाँ पर, तो भाई सोचा भगवान जी ने भाई इन लोगों को कैसा संभाला जाए, भाई इनको पास तो पैसों में बेचा गया है, अभी ऐसे मनोरंजन करवाए वगैरह इन्हें भेज देंगे तो ये तो भैया दिक्कत हो जाएगी, आगे कभी आएंगे नहीं, तो इसीलिए मृदुला घोष को बुलाया जाता है, कि उन्हें पता था अगर कल को कोई दिक्कत होगी तो ये मृदुला घोष जो है ये कम से कम क्या है कि ये लोगों का एंटरटेनमेंट तो कर देगी। लेकिन मृदुला घोष जो थी एक अच्छी डांसर थी, नृत्यका की थी, लेकिन अंत में उसने नखरे करने शुरू कर दिए, उसने भी फ्री के पास मांगे थे और उसे फ्री के पास दे भी दिए गए, लेकिन बट फिर भी ये अंत में गायब मिली, ये आती ही नहीं है बलवीर के साथ, ये भी कहीं चली जाती, तो इस हरकत तुच्छ हरकत के कारण जो भगवान जी है वो और ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो फिर इस तरीके से वो भी इस स्वर को बोल देते हैं। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन, तो आपको इसको भी प्रिपेयर करना है। अब आपको इसके अंदर और चीज़ों को ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या है, भगवंत के चरित्र की विशेषताओं को लिखिए, भगवंत की चरित्र की विशेषता, ये मैंने आपको बताया जो एमेचर क्लब है उनके मैनेजर थे, मैंने आपको बार बार बताया, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ध्यान रखना है इस चैप्टर के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो यही क्वेश्चन रहेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा आगे लिया ताकि आपके माइंड में थोड़ी सी स्टोरी चलने लगे, भगवान जी का कैरेक्टर कैसा है, गुस्से लाएगा, आपको ये तो पता चल गया होगा कि बात बात पर वो गुस्से हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, तो इसके लिए निम्नलिखित चरित्र की विशेषता ऐसे लिख देंगे और फिर डायरेक्टली हमने जैसे पॉइंट बनाए इस तरीके से आप पॉइंट लिखना शुरू कर देंगे कि एकांकी का जो प्रधान होता है वो भगवंत जी होते हैं और वह नाटक जो एमेचर क्लब है उनके क्या है एक व्यवस्थापक भी है जिसे हम मैनेजर कहते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा सूझबूझ थी और उनमें निर्णय लेने की भी काफ़ी ज़्यादा शक्ति थी। सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको ये लिखना है भगवंत जी के बारे में। देन सेकंड चीज़ आपको क्या बताना है इसके अंदर बताना है कि उनका जो स्वभाव था वो काफ़ी रौबदार था, आपको वो बात कहने की वजह से चाहे वो मृदुला घोष को कहे या फिर वो और भी लोगों को कहे कि भैया फ्री के पास के चक्कर में, तो उनका आपको स्वभाव तो पता चल ही गया होगा कि भैया वो स्वभाव कैसा है, रौबदार था, मतलब वो एक ऐसे स्वभाव का था जो बेफालतू में भी गुस्सा हो जाते थे कई बारी। इसके अलावा कई बारी जो अभिनेताओं की सहज मांगों को पूरा करते हुए भी उन्हें क्या मिलता है, धोखा मिलता है, मृदुला घोष ने उन्हें धोखा दिया कि भैया एंड मौके पर वो भी उपस्थित नहीं रही और जिम्मेदार इंसान होने के नाते वो अपने स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ा होना भी स्वाभाविक सी बात है और ऐसा होना भी चाहिए, तो ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद
अगला पॉइंट आपको ये लिखना है कि भाई उनकी इस मजबूरी को समझना चाहिए और ना चाहते हुए अभिनेता अभिनेत्री को सगे संबंधियों के मुफ्त का शो दिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु प्रयास उनका ये सारा बेकार रहता है। आपने देखा कि भैया वो सब, अब देखो भाई फ्री का पास भी दे दिया, बट वो सारे के सारे क्या होते हैं कि भैया लास्ट में उड़नछू हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार चीज़ है, ये चीज़ ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर करना ना भूलें, और बिल्कुल ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, आप इसका पूरा का पूरा लाभ उठाते भी रहें। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का जो आप लोगों के लिए, क्योंकि एक वीडियो में मैं आपको उतना ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, ज़्यादा ओवर आपके माइंड से ना जाने लगे। अब ये आज का जो अंतिम क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि पर्दा उठाओ और पर्दा गिराओ एकांकी का मूल संवेदना क्या है, इस पाठ की मूल संवेदना यानी मूल बात आपको बतानी है इस चैप्टर की कि वो क्या है क्या नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ पाठ है ये किसने लिखा है, उपेंद्रनाथ अशक जी ने लिखा है, और ये एक प्रसिद्ध उनकी एकांकी है, उनकी काफ़ी ज़्यादा ये फेमस एकांकी है जो कि कलाकार जगत, जो जितने भी हमारे एक्टर एक्ट्रेस होते हैं वो लोग क्या करते हैं, मौका परस्त होते हैं, वो अब दूसरों की मजबूरियों का बहुत फ़ायदा उठाते हैं और वो अपने कई बारी घिनौने हरकतों को जनता को शो करते हैं अपनी निजी स्वार्थों की वजह से, कई बारी वो पूरा का पूरा शो भी खराब कर देते हैं, है ना। तो इसी प्रकार से एमेचर क्लब के साथ भी यहाँ पर ऐसे ही कुछ हुआ, हमें ऐसे ही कुछ देखने को मिला। और इस एकांकी के अंदर काफ़ी ज़्यादा दोषपूर्ण कलाकारों के ऊपर आ जाता है, क्योंकि कलाकार का है अपने निजी स्वार्थों के लिए इस पूरे के पूरे सेट को ख़राब करने पर तुल जाते हैं, और ये हमारे समाज की एक सच्चाई का भी वर्णन करता है जो कि व्यंग रूप में, व्यंग का मतलब क्या होता है, आलोचना, मैंने आपको अभी भी बताया। तो इसी प्रकार से आज का जो ये लास्ट क्वेश्चन था ये भी कम्प्लीट हुआ, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से हम अपनी अगली वीडियो में, जो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी आपके एग्ज़ाम में और आपके आपके आगे भी फ्यूचर में, चाहे जब आप एमए कर रहे हो या पीजी का कोर्स कर रहे हो या फिर आगे हमारे जब हम आपके आगे चल के यूजीसी नेट की भी तैयारी कराएंगे जो आपको एक प्रोफेसर वगैरह या फिर आगे एलएलबी वगैरह के भी काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में, आप इसी प्रकार से लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें, हमारे परिवार से जुड़े रहें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में, जय हिंद जय भारत।